हाय दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त विनोद, और आज आए हैं हम एक देसी मुर्गे के फार्म पर। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, पॉल फार्म है, देसी मुर्गा और कड़कनाथ मुर्गे का फार्म है, जो कि मेरे दोस्त दीपक जी का है। आइए हम जानते हैं इस मुर्गे की खासियत और देखते हैं किस प्राइस में हमको ये मुर्गा मिलता है। तो चलिए, मेरा नाम दीपक कुमार है। ये पॉल फार्म के नाम से हम यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं पोल्ट्री की। और ये गांव है मठियाड़ा, नग्गल शर्बर रोड है, ये बनूड़ के पास। ठीक है सर, तो एक अपना जो ये फार्म है, कितने एरिया में है सर ये? तकरीबन ये 7500 स्क्वेयर फुट में ये फार्म डला हुआ है, और ये हमारे पास जो टोटल ज़मीन है वो 1.5 एकड़ है। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है सर आपके फार्म की? इसमें 3000 लेयर का फार्म है जी। 3000 लेयर? जी तो ठीक है दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं कि इन्होंने फीड के लिए जो है पूरा ग्रीनरी का प्रबंध किया हुआ है, और ये है इनका सेट। तो ठीक है, हम इनके शेड की जो है और इनके फार्म की पूरी विजिट करते हैं। तो ये आपका ऑफिस है सर? जी, ये मेरा छोटा ऑफिस है बैठने के लिए जी। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इनका शेड अंदर से देखते हैं। तो ये ब्रीड सर अपनी कड़कनाथ है? जी सर, ये ठीक है सर, हमें थोड़ा कड़कनाथ चिक्स के बारे में बताइए कि ये हमें किस प्राइस में पड़ता है, और इसको पालने के लिए हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सर? सर, कड़कनाथ का चिक्स है वो अलग अलग रेट वेरी करता है। जैसे मिनिमम आप मान के चले तो 70 रुपये से लेके 80 रुपये तक का इसका चिक्स होता है। ठीक है, और जो इसका अंडा है वो इसका अंडा जो है वो खाने में और सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस अंडे में यहाँ इसमें फैट नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल फ्री है जी। शुगर और बीपी वाला बंदा, कोई भी मरीज है जिसमें सर्वाइकल या कोई और जोड़ों का दर्द की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे उनके लिए इसकी डिमांड ज़्यादा आती है हमारे पास। ठीक है, डॉक्टर भी ये करते हैं कि आप रिकमेंड करते हैं कि आप कड़कनाथ का अंडा खाएं। ठीक है, तो सर जैसे हम चिक्स लेके आते हैं, हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जैसे उसकी कौन कौन सी वैक्सीनेशन है जो हमें करनी बहुत ज़रूरी है? जब चिक्स लेके आते हैं ना, तो उसके पहले पहले तो उनका 15 घंटा जो पीरियड होता है वो होता है ब्रूडिंग का, इनको पालने का। वहाँ पे हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है 37.5 डिग्री। ठीक है जी, 15 दिन हम वहाँ पे रखते हैं इसको। उसके बाद इनमें ये जो जैसे तो ये छोटा हो जाता है, और इनका जो एंटीबायोटिक है वो देनी पड़ती है पहले 15 घंटे। लेकिन हम ज़्यादा दवाइयाँ नहीं इसमें इस्तेमाल करते, इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से ही पालते हैं। जैसे हरा चारा, फीड वो ही देते हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा दवाइयों से या इंजेक्शन से ये नहीं पालते। ठीक है, तो इनका अगर सर हम देखें तो जो अंडा देता है ये कितने टाइम बाद अंडा देना शुरू करता है सर? ये अंडे देने का प्रोसेस जो है वो इनका 5.5 महीने के बाद शुरू होता है प्रॉपर। 5.5 5.5 से लेकर 6 महीने तक में मुर्गी पूरी अंडे पे आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद इनका अंडा रेगुलर रहता है, सालों साल इनका अंडा ये रेगुलर रहता है। तो एक बार सर अंडे जैसे देना शुरू करती है तो कितना टाइम तक मतलब कंटिन्यू रहता है वो? वो उनकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, हम इसको किस तरह की फीड रखते हैं या हम इनको किस तरह का इनका रख रखाव होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो एक बार अंडा शुरू हो गया फिर मिनिमम 2 से 3 साल तो मुर्गी जी अंडा देती देती है पक्का। तो ये हमारी कौन सी ब्रीड है सर वाइट? ये सर ये देसी की ब्रीड है, चावरोन। देसी ब्रीड चावरोन? हाँ चावरोन। ठीक है, यहाँ इसमें भी ये प्योर लेयर के लिए रखा हुआ है हमने, देसी अंडा है इसका, पूरा देसी ब्रीड है ये। ठीक है जी, इसकी अंडा देने की कैपेसिटी भी ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी क्या कैपेसिटी है सर? 260 अंडे तक ये साल में दे देती है। 260। तो ये कितना टाइम का होकर अंडा देना शुरू करती है? ये सेम ही है जी, 5.5 से लेकर 6 महीने तक ये मुर्गी कोई भी देसी की मुर्गी है वो प्रॉपर अंडे पे आ जाती है। ठीक है, ये भी सेम है, वही ब्रीड है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे अंडे पड़े हैं, ये भी चैवरोन ब्रीड है सर? जी जी जी, ये मिक्स ब्रीड होती है ये सारी, ये और ये हमारा जो अंडा है प्योर फर्टाइल है जी। ठीक है, हमने जैसे कि हमने मान लो हम इस कैबिन की बात करें तो यहाँ पे 70 से लेकर 80 मुर्गियाँ हैं। ठीक है, इसमें हमने 7 से 8 मुर्गे छोड़े हुए हैं, जो भी दूसरे दिन अंडा आएगा वो फर्टाइल अंडा मिलेगा आपको। ठीक है,
तो जो ये ब्रीड है सर, जैसे हम गांव में पालते हैं देसी मुर्गी, जो कुड़क बैठती है, सेवा बैठती है, क्या ये भी मुर्गियाँ कुड़क बैठती हैं? जी, ये वो नेचुरल प्रोसेस है, ये इन मुर्गियों में भी कुड़क मुर्गियाँ होती हैं। ठीक है, और ये कौन सी ब्रीड है सर? सर ये RIR का मुर्गा है, मुर्गे हमने अलग से रखे हुए हैं सेल के लिए। ठीक है, हम मुर्गियों में से जो एक्स्ट्रा ज़्यादा भादू मुर्गे होते हैं वो इनको सेल के लिए निकाल देते हैं। तो ये RIR ब्रीड है सर? ये RIR का मुर्गा है। तो इस ब्रीड की क्या खासियत है सर? इस ब्रीड की खासियत यही है कि ये अंडे देने की कैपेसिटी इसकी आम मुर्गियों से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये साल का जो है जिन्हें 300 के करीब, 290 से लेके 300 तक ये अंडा साल में देती है। ठीक है, और जो इसका मुर्गा है वो काफ़ी इसमें स्पेशल होता है, जिसके इसकी चोंच है, चूंच है, मतलब कलगी जो ज़्यादा माना जाता है, इसकी जो कलगी है बहुत अच्छी होती है देखने में, ये दूसरे मुर्गे से ज़्यादा ज़्यादा सुंदर है। तो इस मुर्गे का प्राइस कितना है सर, कि अगर कोई आपसे लेने आता है? तो प्राइस इसका वेरी करता है वेट के हिसाब से। यहाँ पे हमारे फार्म में 600 से लेके 1000 तक का मुर्गा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मिनिमम 2 किलो का जो मुर्गा का वेट होता है वो हम 600 रुपये में। ठीक है दोस्तों, आप जान देख सकते हैं कि इनके पास जो मुर्गा है ये RIR ब्रीड, ये मीट पर्पस के लिए है, और जो कि 2 किलो का जिसका रेट जो है 600 से लेके 1000 रुपये तक है। अगर कोई भी लेना चाहे तो सर आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी, अपना कांटेक्ट नंबर एक बार बता दीजिए सर। जी, मेरा कांटेक्ट नंबर है 98788 98788 90 432 90 432। ठीक है जी, तो ये सभी मुर्गे सर RIR ब्रीड हैं? नहीं सर, ये मिक्स ब्रीड है सारी। ये मिक्स है, मिक्स ब्रीड है। ठीक है सर, हमें इस ब्रीड के बारे में भी थोड़ा बताइए। सर ये RIR ब्रीड है। ठीक है, ये बेसिकली लेयर पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है, इसकी अंडे देने की कैपेसिटी जो आम मुर्गी से ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए ये जो अंडे हैं तो ये एकदम पूरा फर्टाइल अंडा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अंडा थोड़ा छोटा साइज का है और पूरा ब्राउन कलर का ये एग है। इस मुर्गी की क्या खासियत है सर? खासियत इसकी यही है कि इसका अंडे देने की कैपेसिटी बाकी मुर्गियों से ज़्यादा है। ठीक है, और ये देखने में बड़ी सुंदर है, लाल रंग की होती है प्योर। ठीक है, तो इस मुर्गी का क्या प्राइस है सर, अगर जैसे कोई आपसे लेना चाहे मुर्गी? मुर्गी का प्राइस जो है वो वेट पे वेरी करता है। अगर वो 2 किलो की मुर्गी है वो 400 से लेके 500 रुपये तक की हम मुर्गी सेल करते हैं जो अंडे पे आ जाती है। ठीक है, ठीक है भाई, अपना नाम बता दीजिए जरा। मनीष। और अपना शुभ नाम? हरीश कुमार सर। ठीक है हरीश कुमार जी,
दीपक जी, हमें ये बताइए कि इस काम के बारे में आपकी कि आपको किसने सलाह दी, कि कैसे आपने सोचा कि हम इस काम में जाना चाहिए? इस काम की सलाह मेरे फादर साहब ने मुझे दी है। ठीक है, तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट था ये पोल्ट्री में। ठीक है जी, तो उनका एक सपना भी था कि हमारा खुद का फार्म हो। ठीक है, उसी सपने को लेके हमने इसको एज ए प्रोफेशन हमने इसको सिलेक्ट किया, चूज़ किया। ठीक है, और बेसिकली मेरी जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, मैंने 12 साल पहले जॉब किया है मैंने एज ए मैनेजर और इंश्योरेंस में। ठीक है, और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे खुद का काम ही करना पड़ेगा, तो खुद के काम में हमने ये सोचा तो फार्मिंग ही हमें सबसे बेटर लगा कि फार्मिंग का काम ही सबसे बेटर है। ठीक है, तो इसकी डिमांड भी जो है पूरा साल रहती है, अंडे की डिमांड भी पूरा साल रहती है, इसीलिए हमने इस खत्ते को अपनाया और ये बेहतरीन रिजल्ट इसके आ रहे हैं हमें अभी तक। ठीक है, नियर अबाउट हमारे ये मान लीजिए कि बनूर के पास से हम यहाँ पे हैं, लेकिन पंचकूला, चंडीगढ़, मनीमाजरा, अंबाला तक के क्लाइंट हमारे पास यहाँ पे माल लेने और अंडे की सप्लाई लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस काम में आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो सर? इस काम में फ्यूचर बड़ा ब्राइट है जी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी डिमांड जो है, जो फ्यूचर जो है, जो सारी डिमांड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होगी। ठीक है, देसी मुर्गी की डिमांड है जो आने वाले आप 5-4 सालों में देखोगे तो और ज़्यादा फार्म आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका इसमें फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, मैं सभी जो यंग जनरेशन है, नए नौजवान हैं, मैं उनसे सभी से अपील करता हूँ और उनको बेनती भी करता हूँ कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े पैसे लगाकर अपना 25,000 से लेकर 50,000 तक का महीना आप यहाँ पे फार्मिंग में कमा सकते हैं। ठीक है, अंडों की सेल करके, मुर्गों की सेल करके ठीक आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप सब लोगों ने मेरे साथ विजिट किया पोल फार्म, जो कि मेरे दोस्त का था, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की वीडियोस को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।